जो इमाम बुखारी है इस वक्त, क्या नाम है उनका, मैं उनके वालिद का नाम ज्यादा जानता हूं, हाँ अहमद बुखारी, हाँ मैं उनके वालिद के संपर्क में ज्यादा रहा, केवल वो ऐसे हैं जो जिनकी जड़ें भारत में नहीं है, उनको मुगल सम्राट अपने पैतृक देश से लाए थे, क्या उन्हीं की ये दसवीं बारहवीं पीढ़ी है, बाकी सब तो यहीं के हो, फिर काहे को हल्ला मचा रहे सब लोग। एक दूसरी बात मैं कहता हूं, इसलिए बुखारी बोले तो तब भी समझ में आता है, वो ये कह सकते हैं कि हम यहां के नहीं है क्योंकि उनको मैं जानता हूं, बाकी तो कोई नहीं कह सकता। एक और बात कहता, उन लोगों के साथ अपने को मत जोड़िए जिन लोगों ने भारत में भारत का राजसत्ता हत्याए, कोई दिक्कत नहीं, राजाओं को हरा दिया, आप राज्य ले लो, भारत का सोना चांदी ले जाओ, कोई समस्या नहीं भाई, जीत लिया तो लूटो, अब आपकी मर्जी, अब हम क्या कर सकते, समझ में आती। अयोध्या मथुरा काशी सोमनाथ ये राजनीतिक केंद्र नहीं, मैं कई बार इस बात को बोल चुका, ये आर्थिक केंद्र नहीं थे भारत के, वहां काय को चढ़ाई की थी जाके, मथुरा में क्या समस्या थी आपको भाई साहब, जो आप मथुरा तोड़ने पहुंच गए, बनारस में क्या समस्या थी है, वहां तो बुनकर रहते थे और बाबा रहते थे, वहां काय को गए तोड़ने, हुजूर आला अयोध्या क्यों गए, अयोध्या तो कभी बड़ा स्थान नहीं रहा, कभी नहीं रहा, त्रेता में रहा, फिर तो रहा नहीं, उजड़ ही गया, आप सिर्फ वहां इसलिए गए कि सत्ता तो आती जाती रहेगी, ये दर्श हजारों साल हिंदुस्तान के सीने में चुभता रहेगा।